हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद और आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम हो जाएगी। कुल वित्तीय प्रभाव 17,082 करोड़ रुपए होगा और 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें स्कूल में मिड डे मील हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है, प्लस 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है। इस माध्यम से, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाउ डू वी एड्रेस द टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग आवर सोसाइटी, फर्स्ट इज ऑफ एनीमिया एंड सेकंड इज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसके ऊपर लास्ट 3 इयर्स में लॉट ऑफ वर्क हैज हैपेंड। 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम से इसका बिगिनिंग की गई थी, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का। 2018 में एक्चुअली इसका पहला पायलट किया गया था और इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में किया था और ये दुनिया के करीब करीब 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स या फोर्टिफाइड फूड मटेरियल्स दिए जाते हैं जिसमें विशेष फोकस होता है टू सप्लीमेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। इन सब का सप्लीमेंट करने का एक तरीका दुनिया भर में, इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। WHO वगैरह सबके सब इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। तो 2018 में पायलट हुआ था, 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे, 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंसेस ज्यादा थे, उन सबको कवर करके एक विस्तृत तौर पे फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था। और गत मार्च में यह फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए। तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सके। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे ये भी बताया कि आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समुद्र और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। जानकारी के मुताबिक ये योजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इस योजना में 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। वही केंद्रीय कैबिनेट के तीसरे मुख्य फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम
मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है और आज कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये कनेक्टिविटी स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर बड़ा प्रभाव भी डालेगी। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।